हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का उत्कर्ष के इस शानदार और लाजवाब सेशन में। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी को ज्ञात हो दोस्तों, जैसे लास्ट वीडियो हमने स्पोर्ट्स के संदर्भ में देखा था कि कौन सा खेल किस गेम का है, ट्रॉफी कौन सी है, क्या है, पूरा विवरण देखा था। इस सेशन में 2023 और 2024 में प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें, कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है, उसका राइटर कौन है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो जानते हैं आज की जो पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में और उनके लेखक कौन है। एक तरफ दिया हुआ है, ध्यान रखें आप लोग, पुस्तक का लेखक का नाम, और एक तरफ दिया हुआ है आपके पुस्तक का नाम, सभी ध्यान रखें। पहले पहले है नारायणन वाघुल, जिनकी पुस्तक का नाम है प्रतिबिंब। इसके बाद अमिताभ कांत, बहुत ही मोस्ट है, जिनके द्वारा भारत में किए गए, मेड इन इंडिया। बोरिया मजुमदार के द्वारा लिखी गई है सचिन @50, ध्यान रखें आप लोग। अशोक कुमार और ओपी मनोचा के द्वारा लिखी गई है साइबर मुठभेड़। नेक्स्ट है अजय चौधरी, जिनके द्वारा लिखी गई है बस आकांक्षा करो, ध्यान रखें आप लोग। के सेलजा और मंजू सारा राजन के द्वारा लिखी गई है एक साथी के रूप में मेरा जीवन। और लिथुआनियाई दूतावास के द्वारा लिखी गई है भारत में प्रथम लिथुआनियाई यात्री। और इसके अलावा रस्किन बांड के द्वारा लिखी गई है स्वर्णिम वर्ष, द गोल्डन यर्स। नेक्स्ट है राम माधव, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बटी हुई आजादी। इसके बाद में डॉक्टर विजय दर्डा के द्वारा लिखी गई है रिंग साइड, भारत और परे परे पर ऊपर, बंद और व्यक्तित्व, ये पुस्तक है, ध्यान रखें आप लोग, डॉक्टर विजय की। रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला, इनके द्वारा एनटीआर ए राजनीतिक जीवनी, ये इनके द्वारा एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। डॉक्टर एम ए हसन के द्वारा लिखी गई है युद्ध और महिलाएं, वार एंड वुमेन, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। लेखनाथ छेत्री के द्वारा लिखी गई है फुलांगे। नेक्स्ट बुक है वी पटाभी राम सबे साचीदास के द्वारा लिखी गई है महान बैंक डकैती, द ग्रेट बैंक रोबरी। इसके बाद में सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, ये ध्यान रखना, सोमनाथ जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उनके द्वारा जो एक बुक लॉन्च की गई है। शशि शेखर वेमपति के द्वारा लिखी गई है सामूहिक भावना और ठोस कार्य, ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट है आर एन रवि, जिनके द्वारा लिखी गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार का फैलाव, ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद में सज्जन सिंह देव के द्वारा लिखी गई है भारत की वैक्सीन विकास की कहानी। इसके बाद जगदीप धनखड़, जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है, ध्यान रखें, झुंझुनू राजस्थान से हैं, और इनके द्वारा लिखी गई है मुंडका उपनिषद अमरत्व का पुल, मुंडको उपनिषद, ध्यान रखें आप लोग, जिससे भारत का मूल मंत्र सत्यमेव जयते लिया गया है। के एम चंद्रशेखर, मेरे शब्द जितना अच्छा, एज गुड एज माई वर्ड। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है पागल खाना। नेक्स्ट है अभय के द्वारा लिखी गई है बिहारी साहित्य। वी पटाभी राम और डूंगरचंद यू जैन के द्वारा लिखी गई है द प्रोफेशनल हैंडबुक टू चैट जीपीटी। ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन की टीम के द्वारा सामूहिक अच्छाई को प्रज्वलित करना, मन की बात 100 पुस्तक लिखी गई है। अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई है रिवर्स स्विंग उपनिवेशवाद से सहयोग तक। एस सोमनाथ, जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में हुई थी, आप सभी को ज्ञात हो, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष है एस सोमनाथ, और मोदी सरकार के द्वारा 23 अगस्त को जो है, आप सभी को ज्ञात हो कि स्पेस डे या अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया है, क्योंकि 23 अगस्त को ही हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण पोल पर सफल लैंडिंग करने में सफल हुआ था, तो इस दिन को जो है आपके स्पेस डे या अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया है। तो एस सोमनाथ, नीलाऊ कुदीचा सिहांगल, ये इनके द्वारा लिखी गई बुक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डब्ल्यू वी रमन और आर कोसी के द्वारा लिखी गई है द लॉर्ड्स ऑफ द वानखेड़े टेल्स, बिटवीन टू टाइटल्स। नेक्स्ट है जगतगुरु राम भद्राचार्य, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
अष्टाध्यायी भाष्य, ध्यान रखना वैसे अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और रामानंदाचार्य चरित्रम भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला, ध्यान रखे ये रामभद्राचार्य जी के द्वारा लिखी गई है, श्री अपूर्व चंद्रा के द्वारा लिखी गई है, ई बुक पीपुल्स G20 जो G20 सम्मेलन हुआ था उसके ऊपर लिखी गई बुक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग ये लिखी गई है, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, ध्यान रखे आप लोग, IAS अधिकारी सोनल के द्वारा लिखी गई है राष्ट्र आह्वान नेशनल कॉलिंग, श्री ऋषिराज के द्वारा लिखी गई है कारगिल एक यात्री की जुबानी, यानी कारगिल के दरमियान क्या हुआ था, कारगिल युद्ध में कैसा भारतीय सेना का गौरव रहा था उसके ऊपर पूरी लिखी गई है, अभय के द्वारा लिखी गई है मानसून, और PS श्रीधर पिल्लई के द्वारा लिखी गई है गोवा के विरासत पेड़, और डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी के द्वारा लिखी गई है आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट है TN सेशन जिनके द्वारा टूटे शीशे के माध्यम से, और रणजीत प्रताप के द्वारा लिखी गई है जैसे पहिया घूमता है एज द व्हील टर्न्स, डॉक्टर YS राजन, डॉक्टर APJ नाजेमा और मरेक्यार और श्री प्रिया श्रीनिवासन के द्वारा लिखी गई है यादें कभी नहीं मरती है, मेमोरीज नेवर डाई, यादें कभी नहीं मरती है, शिवानंद द्विवेदी और KK उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है अमृतकाल की, और ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन जिनके द्वारा लिखा गया है लचीला भारत कैसे भारत के आपदा प्रबंध प्रतिमान को बदल दिया गया। इसके बाद में नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है नए भारत का सामवेद, इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रहे नरेंद्र मोदी के द्वारा वांग मेहता, एग्जाम वॉरियर्स, ज्योति पुंज, कर्म योद्धा, सबका साथ सबका विकास बुक भी लिखी गई है, जबकि अमित शाह के द्वारा लिखी गई है भारत में भाजपा सरकार क्यों, तो आप सभी ध्यान रखें। नेक्स्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काफी चर्चा का विषय रही थी ये बुक, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो पूर्व भारतीय थल सेना के जनरल रहे थे, भाग्य के चार सितारे 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, यानी आपके भाग्य के चार सितारे जो है। इसके बाद रोहित लांबा के द्वारा लिखी गई है सांचे को तोड़ना भारत के आर्थिक भविष्य की पुनः कल्पना करना है। नेक्स्ट है महामना मालवीय मिशन जिनके द्वारा लिखी गई है पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाएं उनके ऊपर लिखी गई है, तो ध्यान रखें। कैप्टन हिमाद्री दास के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये साझेदारी का निर्माण बिल्डिंग पार्टिसिपेट, ओमेश कुमार भारती एवं DD बिस्ट के द्वारा लिखी गई है हिमाचल प्रदेश के सांप स्नैक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर हेमा जोशी के द्वारा लिखी गई है दो पलकों की छांव में, और प्रोफेसर डॉक्टर रमेश सिंह गौड़ के द्वारा लिखी गई है भारत में पुरालेखों का मानचित्र। नेक्स्ट है रमेश भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखी गई है कश्मीर धरती पर से यात्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री की लिखी गई है परिवर्तनकारी हरियाणा, हरियाणा सरकार के 9 अविश्वसनीय वर्ष कैसे रहे उसके ऊपर जो कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री के द्वारा, अमित सिन्हा और विजय खर्रे इनके द्वारा लिखा गया है रक्षा साहित्य महोत्सव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा। नेक्स्ट है रघुवीर श्रीनिवासन इनके द्वारा लिखी गई है श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान, पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है ओडिशा जो भारत के चार धामों में से एक प्रमुख धाम है, जिनके ऊपर संजय जाजू के द्वारा लिखी गई है इंडिया ईयर बुक 2024 और कैरियर कॉलिंग, ध्यान रखा इंडिया ईयर बुक 2024 एंड कैरियर कॉलिंग, पी विक्रम के द्वारा लिखी गई है महासोप्रिन कुर्डू। नेक्स्ट है प्रोफेसर SD मुन्नी जिनके द्वारा कूटनीति में दखल अंदाजी अधिकृत और अन्यथा एक और एक गैर कैरियर राजनीति की यादें, यह लिखी गई है हमारे SD मुन्नी के द्वारा। और नेक्स्ट है अश्विन प्रभु जिनके द्वारा मूर्तिकला पत्थर रामलल्लापुरम के रहस्य, यानी राम भगवान की जो मूर्ति उसके संदर्भ में पूरी, गीता सिंह और आरिफ खान भारती के द्वारा राम मंदिर राष्ट्र मंदिर साझी विरासत, राम मंदिर जो है ये जो इसके बारे में पूरा का पूरा, वेरा मुत्तु के द्वारा लिखी गई है माँ कविथाई और मनोरमा मिश्रा के द्वारा संस्कृति के आयाम, और RK पंच नंदा विवेक देवरोय अर्निब्रोन गांगुली और उत्तम कुमार सिन्हा के द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है मोदी हरित भविष्य और ऊर्जावान
बनाना ध्यान रखो आप लोग। ये किसके द्वारा लिखी गई है? आर के पंचनंदा के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक ध्यान रखो, जैसे भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, ये किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके अलावा जो भारत में भारत की तरफ से पहली बार मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली महिला अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रंस ध्यान रखो आप लोग, अरविंद अडिगा की व्हाइट टाइगर, ये पुस्तकें की बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखें आप लोग। इसके अलावा द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप गिल के द्वारा लिखी गई है, जबकि द अमेजिंग अयोध्या ये नीना रॉय के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। जो प्राचीन पुस्तकें हैं उनमें से भी कई बार अपन से पूछा जाता है, जैसे इंडी का पुस्तक जो है वो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है, और पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के द्वारा, अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। दश कुमार चरित्र ये दंडी के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा अपन बात करें तो आपके अर्थशास्त्र जो है चाणक्य के द्वारा, जो चंद्रगुप्त आपके के दरबारी चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके दरबारी कवि के रूप में, एक कालिदास जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी थे, मेघदूत ऋतुसार अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभव रघुवंश तिलक और मालविका अग्नि मित्रम ध्यान रखे। एक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र, जबकि आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांत पुस्तक लिखी गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माध्यमिक सूत्र ग्रंथ जो है ध्यान रखे वो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। एक महाकवि माघ के द्वारा शिशुपाल वधम लिखा गया है। तो ऐसे ही शानदार बुक्स जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, और ऐसी शानदार जानकारी के लिए आप लोग जुड़े रहें टीम उत्कर्ष के साथ में। और दोस्तों ऐसे ही टॉपिक्स जो है हम प्रयास करेंगे कि आने वाले एग्जाम्स के से पूर्व सारे टॉपिक्स अपन शॉर्टली कवर करें, जो आपके आने वाले एग्जाम्स बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। तो आपको इस सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा, और आपको सबसे कठिन टॉपिक कौन सा लगता है और आपको लगे कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग टॉपिक भी अवश्य लिखे, उस टॉपिक पर हम जो है एक वीडियो ला करके और आपकी जो कठिनाई है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।